हाय, सो कंटिन्यू विद द जर्नी। राइट में देखिए, दिस इज़ प्रिंसिपल रेजिडेंस। सो देर इज़ अ सेपरेट हाउस गिवन फॉर द प्रिंसिपल साहब। आइए आइए। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग वेरी फ्रेंकली इज़ अबाउट द साइज ऑफ द कैंपस। देखिए, बहुत बड़ा कैंपस बनाया गया था और है लड़ी पुडी दिस वे। और मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको ना कैंपस की झलक दिखाऊँ और वहाँ से हम कंटिन्यू करें। डेफिनेटली ये जो पूरा कैंपस है, इसमें इनके अदर कोर्सेज भी चलते हैं। दैट्स वाई द नेम इज़ यमुना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बट बिफोर वी गो फॉर दैट, जस्ट लुक एट द साइज। और हमारी गाड़ी भी यहीं खड़ी है। यहाँ से देखिए, आपका ये मेन एंट्रेंस है कॉलेज का, इसको हम देखेंगे। और उधर था एक तरह से डेंटल हॉस्पिटल। और पीछे आप देखेंगे तो ये रोड ना सीधी आ रही थी जब मैं मेन गेट से घुसा। तो क्या आपको बस नज़र आ रही है? और बस के साथ गाड़ियाँ, दो बाइकें चलती आ रही हैं। ये अच्छा भला 300-400 मीटर का तो एरिया होगा। ठीक, इतना बड़ा कैंपस है और इसके ठीक और आधे किलोमीटर सीधा बहुत दूर एक कार, मुझे पता कि जाते नज़र, दो कारें खड़ी हैं उनके बहुत पीछे। अगर आप देख रहे हो तो मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं कैमरा में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। दैट इज़ द हाईवे। सो लेट अस टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। एक ना अम्बाला से यमुनानगर का बहुत तगड़ा हाईवे है। 4 लेन बोलिए, 6 लेन बोलिए, हम उसी से आ रहे थे। और आपको मेरा वो जर्नी बताइए कि मैं कह रहा था कल मैं देहरादून था, फिर मैं हमारी कुल देवी हैं बाला सुंदरी त्रिलोकपुर में, और मैं वहीं स्टे करता हूँ रात को। तो मैंने स्टे करा, फिर से यशवंत परमार कॉलेज देखा जो सरकारी कॉलेज है नाहन में। और वेरी फ्रेंकली उसका पेशेंट फ्लो भी काफ़ी बढ़ गया, जस्ट टू टेल यू, पिछले एक दो साल में। सुबह जब हम निकले 9 बजे, बहुत भीड़ थी। वहाँ से मंदिर गया और फिर मैं घर जा रहा था दिल्ली की तरफ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, ये बिल्कुल रास्ते में कॉलेज पड़ता है तो उस कॉलेज में रुका आ जाए, क्योंकि मैंने बाकी सारे BDS कॉलेजेस हरियाणा के देख रखे हैं इसके अलावा। तो फ़र्ज़ बनता था मेरा कि ये भी मैं देख लूँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस साइज। लोकेशन जैसा मैंने कहा, वो तगड़ा हाईवे है, हाईवे से आधा किलोमीटर बेसिकली अंदर है। और इस कॉलेज के ज़रा सी पास था एक वो मॉल टाइप की बनी है जिसमें एक वाटर पार्क है और फूड कोर्ट है, बर्गर किंग मैकडोनल्ड्स हमें नज़र आया था, वो सब हैं। और चूँकि कैंपस है तो ये आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, ओपन स्पेसिस आप देखिए। इट इज़ बेसिकली, देखिए शाम के टाइम, रात के टाइम, इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट हैव अ स्ट्रोल, हैव अ वॉक, आप देख सकते हो। लुक एट द साइज ऑफ द कैंपस और साइज ऑफ द बिल्डिंग्स, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। सो दैट इज़ समथिंग विच यू आर गेटिंग। अब इसको देखते हुए लेट अस एंटर द मेन कॉलेज। ठीक है, साइड से चलते हैं, बीच में से भी जा सकते हैं। ओके, और उससे हमें ना एक आइडिया लगता है, जैसा कि अभी दोपहर के 12:30 एक बज गया है तो OPD का टाइम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जितना ब्रॉडली मैं देख सकता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड दिस पीपल आर नाइस। इनसे मैंने बोला कि डू यू वॉन्ट मी टू शूट अ वीडियो, उन्होंने बोला सर बना लीजिए। ये देखिए दांतों के अस्पताल की एंट्री यहाँ से, पर आज बहुत बारिश हुई है तो हम दूसरे गेट से आएंगे। यहाँ पर पानी है और आप मुझे चलते हुए देख ही रहे हो। आई एम नॉट स्टिल रिकवरिड फ्रॉम माई प्रीवियस एक्सीडेंट। सो दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ मेडिकल डेंटल कॉलेज। ओके, इस कॉलेज में ना MDS नहीं है। अब कुछ लोग उसको पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है लाइफ के प्रति। मैं ये कहता हूँ कि BDS के बच्चे के लिए अगर उसको प्रैक्टिस करनी है, दिस इज़ हाउ वी एंटर द कॉलेज। रिसेप्शन एरिया कह लीजिए, इसके लेफ्ट में कॉलेज स्टार्ट होगा और मतलब लेक्चर रूम्स वगैरह, और राइट हैंड साइड पे डिपार्टमेंट्स हैं। एंड आई वाज कमिंग, हाय, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर संचित। डॉक्टर संचित, हाय। सो डॉक्टर संचित, प्लीज़ कम विद मी। यप। एंड व्हाट इज दिस? तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द लेक्चर थिएटर। सो जी आप देखिए, एंड मैंने तो MBBS कॉलेजेस में भी किया। मैं उनसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि भाई ये सिटिंग जो होती है, ये स्टेप्ड अप सिटिंग होनी चाहिए,
जो बच्चा पीछे बैठा उसे कैसे नजर आएगा। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होनी चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि इससे पीछे वाले बच्चों को बहुत इजीली व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई देता है, राइट, ये बहुत ही ईजी कर देता है स्टडी को, ताकि बच्चों को थोड़ा मूव ना करना पड़े, अपनी ही जगह पे बैठ के वो इजीली इस चीज़ को गो थ्रू कर सके। तो ये हमारा मेन लेक्चर थिएटर हो गया। हमारे पास मेन चार लेक्चर थिएटर हैं। ओके, मतलब हर ईयर के लिए वी हैव स्पेसिफिक। अच्छा, तो ये जो ग्राउंड फ्लोर का है किसके लिए है? ये LT1 इज फॉर BDS फर्स्ट ईयर। एंड वेरी फ्रेंकली डॉक्टर साहब, आई नो कि यू आर हेल्पिंग मी, लेकिन बिकॉज ऑफ माई लेग प्रॉब्लम हम ग्राउंड फ्लोर भी घूमेंगे, ठीक है, सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि वो चढ़ के उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है। ओके, so we start going towards the departments and ab dekhiye main hamesha kehta hu ki I am a counselor but I don't come from the medical background, so ye mujhe dikhaya gaya ye kya room hai, ye khula hua chalne se biochemistry, okay, pharma lab hai, ठीक है, okay, यहां पे सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के बच्चे सारे के सारे काम करते हैं, ड्रग से लेकर के उसको पढ़ाई करने से लेकर के उसको कैसे पैरामीट्रिक टेस्ट कैसे लगाने हैं उसके ऊपर से लेकर के बायोकेमिस्ट्री में यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सारे टेस्ट जो कि हमारे को पेशेंट में यू नो फाइनल ईयर के बच्चे को जो कि ज़रूरत होता है डॉक्टर बनने के लिए, तो सारे टेस्ट बच्चों को फर्स्ट और सेकेंड ईयर तक सिखाए दिए जाते हैं। मैं समझ, तो ये हमारी बायोकेमिस्ट्री कम फार्मा लैब है। फार्मा लैब है, वेरी नाइस। आइए, और मैं भी घूम रहा था तो वी विल एंटर द मेन हॉस्पिटल लाओ। ओके, थोड़ा तेज चलेंगे कि फिर हमें दिल्ली भी पहुँचना है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी वेट हो रहा है। ओके, सो दिस इज़, मैंने कहा कि अभी सॉ द मेन रिसेप्शन फॉर द OPD। हमने जो ज़्यादा दूसरा गेट देखा था, लेकिन दूसरा गेट से पानी था थोड़ा, बिकॉज आज बहुत बारिश हुई है सुबह, तो एंट्री करना मुश्किल था। तो यहाँ पर है जो कि मेन एंट्री है, रिसेप्शन एरिया, भाई वो ये गेट था, तो हम घूम के यहाँ पर आ गए। एंड डॉक्टर साहब, ये सामने ये हमारी OPD1 है, ओके, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट जहाँ से हम पेशेंट को डायग्नोस करके रेफर कर देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ओहो, तो ये वो होता है, सो दिस इज द मेन डिपार्टमेंट, डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट। ओके ओके, कूल, ठीक है, वेरी नाइस। द सीम्स बजिंग विद फुल ऑफ लाइट्स एंड एवरीथिंग and okay. with full of chairs also, yes, काफ़ी सारी chairs हैं ताकि patient को ज़्यादा wait ना करना पड़े, काफ़ी सारी है, ठीक है। ये हमारा एक्सरे रूम, ओके, OMR डिपार्टमेंट में आए और रेडियोलॉजी सेंट मतलब सेटअप नहीं देखा तो मज़ा नहीं आएगा। एग्जैक्टली, डेंटल एक्सरे रूम, ओके, ये हमारा डेंटल एक्सरे, ठीक है, ये हमारी एक्सरे मशीन्स हैं, यहीं पे हम पेशेंट का एक्सरे लेते हैं, जो हमारे मिनीचर एक्सरे, जो छोटे वाले एक्सरे जो दिखते हैं। हाँ, तो जब हम BDS में कभी जो मैं डेंटल का इलाज कराता हूँ, वो मुझे लेट के बोलते हैं कभी कभार, आपका एक्सरे दिखाता हूँ, हाँ, कैविटी है, तो ये वो मशीन्स हैं, ये वो मशीन्स हैं जिससे हम एक्सरे को खींचते हैं। तो उनका तो डिजिटल वही, हाँ, मतलब डिजिटल ये सॉरी डेंटल चेयर के साथ ही अटैच होते हैं ना, ये हमारा कन्वेंशनल एक्सरे रूम है, ठीक है, अभी भी वही है, हम बहुत ही पुराने तरीके से भी बच्चे को सिखाना पड़ता है ताकि okay. बच्चा डेवलप करना भी सीखे, ठीक है। जब सेटअप होता है जरूरी नहीं कि हमारी RVG रूम ऑलरेडी सेट हो, हमारे पास रूम है वहाँ पे जो पे डायरेक्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। वैसे तो डॉक्टर साहब, अब जो डेंटल चेयर आती है या जो जिस BDS में मैं चाहता हूँ उन्हें इलाज कराने, तो वो तो सेम ही मशीन उसी के अंदर इंटीग्रेटेड हो गई है क्या मशीन सब? यप यप, एक्सरे, हाँ, ठीक है, मतलब वो ईज के लिए है कि यहाँ वहाँ जाना पड़े, हाँ, बस टाइम सेव करने के लिए, 300 फीट के होते हैं तो अलग अलग आपकी तरह स्पेस थोड़ी ना है। ये हमारा डार्क रूम, ठीक है, एक्सरे खींचने के बाद यहीं पे इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके वो जो पिक्चर बनती है वो आफ्टर प्रोसेसिंग होती है, तो ये उसके लिए वी हैव दिस डार्क रूम, यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं और इसके बाद हम इन सॉल्यूशन से ही उनको निकाल करके अपना एक्सरे को यू नो डिस्प्ले पे लेके आते हैं ताकि वो दिखाई देना शुरू हो। गॉट इट। और ये OPG रूम, ये हमारा OPG रूम है, हम पूरे मुंह का भी ले सकते हैं, वो तो हमारे छोटे एक्सरे, ठीक है, सिर्फ दांतों के लिए होते हैं, ये हमारे पूरा मुंह का ले सकते हैं एंड साइड व्यू एंड पूरा मैक्सिलर और मैंडिबल के साथ। गॉट इट, समझा। ओके, यस, और ये हमारी मशीन है, ये रोटेट करती है, ठीक है, मशीन, और आगे से लेकर के पीछे तक का सारा हमारा स्कैन हो जाता है, ठीक है, ताकि हमारे सारे हार्ट स्ट्रक्चर्स एंड ओवरऑल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स कवर हो जाए सकते हैं। वेरी नाइस। तो ये मतलब स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने के काम आ रहा है, हाँ। और एक्चुअल पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनका भी काम हो ही रहा है, करेक्ट, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे को सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। राइट ठीक है।
तो गाइस आई थिंक जब हम बाहर घूम रहे थे तो हमने वो देखा था बिल्डिंग, इफ़ आई कैन रिकलेक्ट मेरी ज्योमेट्री ज्योग्राफी, तो प्रिंसिपल रूम शायद उस तरफ था, है ना? हाँ, और हॉस्टल मेस उधर थे, हम वहाँ से चल के आए थे, कॉलेज में घुसे थे और हम हॉस्पिटल में आ रहे हैं. सो वेरी नाइस, वेरी ओवरऑल सीम्स टू बी अ प्लेस. हाँ, तो मैं जो अपनी बात कर रहा था कि इस कॉलेज में अभी MDS नहीं है, तो मुझसे ना कई बार लोग पूछते हैं, और यू नो विद ड्यू रिगार्ड्स आई एम नॉट अ डॉक्टर, राइट? लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ MDS चल रहा होता है ना, बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे, वहाँ पर BDS के बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता. क्योंकि तो जो MDS कर रहे हैं, जो भी OPD आएगी, वो अपना जैसे कहते हैं देसी भाषा में हाथ उन पर साफ़ करना चाहेंगे MDS के बच्चे. बट चूँकि इस कॉलेज में MDS है ही नहीं, तो आपको एज ए BDS स्टूडेंट भी एक तरह से पेशेंट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है. आई नो कि डॉक्टर से सुन के अजीब लगता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टरी, मेडिसिन, लॉ, CA, ये सब ना प्रैक्टिसेस क्यों कही जाती हैं, कि जितने लोगों पे जवानी में हाथ साफ करोगे, उतने ही सफाई से काम थोड़ी उम्र के बाद करोगे, और कहना नहीं चाहिए उतनी ही शोहरत और पैसा थोड़ी और उम्र के बाद कमाओगे. अब कई लोग इस बात को कहते हैं जी हमारे यहाँ MDS है, या MBBS कॉलेज में कहते हैं MD है, बट आई थिंक जब सारे डिपार्टमेंट्स हैं ही, तो वो तो BDS के लिए भी हैं, MDS के लिए भी हैं. लेकिन जैसे सेम डिपार्टमेंट ये है, अब इसमें अगर कॉलेज में MDS चल रहा है, तो फिर जो MDS का स्टूडेंट होगा, ही विल ट्राई टू डू द मैक्सिमम वर्क. तो फिर जो BDS के बच्चे हैं, उनको तो कोई मौका सीखने का मिलेगा ही नहीं. लेकिन अगर MDS है ही नहीं, तो कॉम्पिटिशन कम है, तो अपने जो BDS के बच्चे हैं, दे गेट द चांस टू ट्रीट द पेशेंट. तो ये मेरी थ्योरी ठीक है कि मैं कुछ बिल्कुल सही हवा में बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही थ्योरी है आपकी, क्योंकि जब हमारे उसमें MDS नहीं होती है, कोई PG नहीं है, तो सारा का सारा जो पेशेंट लोड है, वो हमारा डायरेक्ट इंटर्न्स और फाइनल ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट पे ही आ जाता. Correct. है तो एक्सपोजर BDS स्टूडेंट को ज़्यादा मिलता है. Correct. अगर यहीं पे हमारी PG आ जाती है, फिर MDS आ जाती है, तो वही सेम पेशेंट डाइवर्ट हो जाएगा फ्रॉम PG स्टूडेंट, फ्रॉम इंटर्न, देन हमारे पास फाइनल एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट के पास एक्सपोजर होता है. तो BDS स्टूडेंट अगर सिर्फ हमारे पास सिर्फ BDS सेटअप है, ठीक है, तो इस केस में हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है एंड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है. वही, थैंक्स अ लॉट. यही मैं मतलब मेरी भी थोड़ी थी, तो मुझे लगा कि आप इसे इसको वेरीफाई करा जाए. ओके गाइस, तो अब हम चलेंगे मेस की तरफ और आपको मेस दिखाएंगे, खाना दिखाएंगे, और ठीक है. सो फॉर नेक्स्ट शॉट, बाय बाय, टेक केयर. Hi. So, as part of the same video, before we go to mess, Toto साहब आपकी permission से एक surgery चल रही है. हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा काम चल रहा है, filling चल रही है. अच्छा, तो वो allow करते हैं patient को? बुरा तो लगेगा? नहीं नहीं, कोई बुरा नहीं. आइए, तो we are still in the same department. आओ. Okay. जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं और अभी अपना काम कर रहे हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है. वही मैं कह रहा था, देखो टिपिकली जब जो मेरा BDS उसका तो सही सा क्लिनिक है, तो वही मैं सोच रहा था कि एक्सरे मशीन सेपरेट, ये सेपरेट, वो सेपरेट, वो तो एक ही कमरे में हमें सब कुछ करके भेज रहे हैं. मे बी एज द थिंग्स हैव डेवलप्ड, है ना? बट ठीक है, एज ए स्टूडेंट तो वी नीड टू नो एवरीथिंग. सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा. और यहाँ पे नहीं, हमारे हर डिपार्टमेंट में स्पेशल सर्जरी रूम है, तो छोटे मोटे सर्जिकल प्रोसीजर सारे के सारे हम अपने सेपरेट डिपार्टमेंट में कर लेते हैं. मतलब जैसे बूढ़े पेशेंट्स हैं, उनको हमें ज़्यादा मूव ना कराना पड़े, तो वहीं पे हम पेशेंट्स को छोटे मोटे सर्जरी प्रोसीजर्स कर देते हैं. ठीक है, ओके, अब मैं इसकी तरफ चलते हैं. हाय, सो कंटिन्यूइंग माय जर्नी ऑफ यमुना डेंटल कॉलेज यमुना नगर, आपको दिखाते हैं मेस, क्योंकि अभी लंच टाइम चल रहा है, तो स्टूडेंट्स आर ईटिंग फूड. तो हम बॉयज़ हॉस्टल में हैं, तो ये बॉयज़ लोग खाना खा रहे हैं. राइस है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. मेनू दिखाते हैं, क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी रहता है कि आप क्या खाना खा रहे हो. रायता है, क्या क्या सब्जी आज? कद्दू और छोले हैं. रोटी नहीं बनाई आज? और चपाती भी है? अच्छा, प्लेन रोटी भी, घी की रोटी भी. तो देखिए वही जो हम हमेशा कहते हैं, नॉर्थ इंडियन में क्या चाहिए? चावल हो, रोटी हो, सूखी सब्जी हो, दही हो, गीली सब्जी हो, तो हमारा काम अच्छे से हो जाता है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक पढ़ाई करनी है, रहना है,
तो किस तरीके का खाना हम खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो हो रहा है और गुड थिंग इज कंस्ट्रक्शन चल रही है, दैट मीन्स कुछ कमी है तो उसको ठीक किया जा रहा है। एंड अगेन इट्स पार्ट ऑफ द कैंपस, तो हॉस्टल रूम आइए आपको एक बॉयज़ हॉस्टल का रूम दिखाते हैं। ये सिंगल रूम है, अच्छा जी, तो ये एक सिंगल रूम है विद अटैच वॉशरूम, इंग्लिश टॉयलेट है, वॉश बेसिन है, परफेक्ट। और ये स्टडी टेबल के लिए, एक स्टडी के लिए जगह है बाहर, एक व्यू मिल रहा है। तो सिंगल बेड विद वन अलमीरा, आई थिंक दिस इज व्हाट अ स्टूडेंट नीड्स, तो अच्छी बात है जी। सिंगल सिंगल रूम अवेलेबल है, ढूंढते हैं, सारे सिंगल नहीं और डबल भी होंगे। तो सर इसमें, अच्छा फिलहाल एसी नहीं है किसी रूम में, अच्छा वो बच्चे के पास ऑप्शन है। देखिए अच्छी चीज़ है, यहाँ पर हर बजट का इंतजाम है, तो कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये रूम है, अभी देखिए अब जैसे भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है, इम्प्रूवमेंट चल रही है, खुल गया, एक और देखते हैं। ये डबल वाला है, हाँ जी, ये देखिए उससे बड़ा डबल रूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में फ़र्क नहीं है, मैं टीचर से बात कर रहा था। तो ये अलमीरा है, इसमें दो बच्चे बैठ सकते हैं और डबल बेड बिछा हुआ है। ओके, सो दिस इज़ हाउ, ओके। तो जैसे पहले खाने वगैरह की थोड़ी थी, अब तो वो भी बहुत सारी सॉर्ट हो चुकी हैं चीज़ें। ओके, और जैसे H2O में 24x7 वगैरह खुल चुका है, सब वे सारी चीज़ें हैं। तो कभी यहाँ से बोर हो गए खाना खा के तो वहाँ चले गए, राइट, पास में ही है, 5-10 मिनट का रास्ता है, 5-10 मिनट का है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। और कौन सी ईयर में आ गए हो आप? सेकंड ईयर अब स्टार्ट हुआ है, मतलब 2000 सर, मैं सेकंड ईयर में पढ़ देने वाला हूँ, मैं 2022 में आया समझता हूँ। वेरी नाइस, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, बाय बाय। हाय, सो एज आई एम वॉकिंग थ्रू द कॉरिडोर ऑफ द कॉलेज, सीम्स टू बी लेक्चर स्टार्ट होने वाला बच्चों, ओके, सो सीम्स टू बी प्रीटी वाइब्रेंट। अब लंच टाइम खत्म हो गया, तो बच्चे बैठे हैं, अ गुड मिक्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट। और भाई ये मेन गेट है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी, एक्चुअली लड़कियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, विच इज़ अगेन आई थिंक लड़कियाँ डेंटल में ज़्यादा जाती हैं, सो मैनी गर्ल्स स्टूडेंट्स आर देयर, लॉट ऑफ देम एक्चुअली, सो देर इज़ नो डर्थ ऑफ स्टूडेंट्स एज फार एज दिस कैंपस इज कंसर्न। वही था वो देखो एंट्री जो मैं बताया था आपको, लंबी सड़क, ओके, सो गुड, वेरी गुड। हाय, सो फाइनली टू कंक्लूड एंड गिव माई ओपिनियन, देखिए क्या यमुना डेंटल कॉलेज एक ग्रेट कॉलेज है इस कॉलेजेस, तो अगर आपका एडमिशन कस्तूरबा डेंटल में हो रहा है, JSS डेंटल में हो रहा है, कलिंगा डेंटल में हो रहा है, और आप वो फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं, 28-30 लाख का टोटल खर्चा, डेफिनेटली आपको वहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हिंदुस्तान बहुत बड़ा, और MBBS में भी हम समझौता करते हैं, तो BDS में अगर आपको एक अच्छी डिसेंट ऑप्शन चाहिए डिसेंट बजट में, जहाँ पर देखिए विदाउट हॉस्टल, खासकर हरियाणा के बच्चों का तो फ़ायदा ये है कि दिस कॉलेज हैज़ गॉट कनेक्टिविटी विद कुरुक्षेत्रा, अम्बाला एज वेल एज़ यमुनानगर, जिसमें अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं एवरी डे, तो ऑफिशियल फ़ीस कॉलेज की 3 लाख रुपये साल की है एज़ पर दी गवर्नमेंट, तो 4 साल की 12 लाख बनती है, 280 प्लस एग्ज़ाम फ़ी, लेकिन ये लोग काफ़ी स्कॉलरशिप देते हैं इंटरनली, तो आपका सारा काम 25% स्कॉलरशिप के साथ 9 लाख रुपये में भी हो सकता है, और विद हॉस्टल वही चीज़ 12-13 लाख रुपये में जो आउटस्टेशन स्टूडेंट्स हैं। एंड फिर से अगर आपके नीट स्कोर अच्छा है और यू आर एक्सेप्शनल स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा और स्कॉलरशिप भी पर्सनली दे देते हैं। तो अगर मुझे हॉस्टल मिला के 13-14 लाख खर्च करने हैं, विदाउट हॉस्टल मुझे 9-10 खर्च करने हैं,
एक डिसेंट ऑप्शन देखनी है जहाँ पर लर्निंग हो। और जैसे मैंने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे पॉजिटिव फैक्टर लगे कैंपस लाइफ, क्योंकि अक्सर जो डेंटल कॉलेज है ना वो बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं, मतलब एक बिल्डिंग में, बट दिस कॉलेज वॉज प्लान्ड एज पार्ट ऑफ ए एजुकेशन सिस्टम जिसके अंदर बी टेक के भी क्लासेज हैं, एम टेक के भी क्लासेज हैं, बी बी ए की भी क्लासेज हैं। तो कैंपस का जो साइज़ है और जो बेसिक इन्फ्रा है वो उस हिसाब से है। मैंने जैसे एक चीज़ नोटिस की है कि भाई जो एक जैसा मैंने कल पहले भी अपनी वीडियो में सुना कि MDS ना होना एक एडवांटेज है BDS के बच्चों के लिए। देखिए, जिस जगह पर 500 OPD है वहाँ तो कोई बात नहीं, पर जहाँ पर OPD विच मोस्ट ऑफ द डेंटल कॉलेज है 100-150 मैक्सिमम पर डे, उसमें अगर MDS के बच्चे होते हैं तो जनरली दे आर द स्टूडेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग ऑन द पेशेंट्स, और ठीक है, तो BDS के बच्चों को कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। पर जय MDS है ही नहीं वहाँ पर, जैसे ही आप फाइनल ईयर में आएंगे आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि BDS के बच्चे को मैं जानता हूँ कई जगहों से जिनको बेसिक RCT करना या बेसिक डेंटल चेकअप करना भी नहीं आता है बिकॉज उनको मौका ही नहीं मिला। और तो ये बड़ी डबल एज थिंग है कि MDS होना सुनने में अच्छा लगता है। देखिए, डिपार्टमेंट्स तो सारे ही हैं, प्रोफेसर तो सारे ही हैं ना, तो पता नहीं मुझे, तो ये फॉर मी दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। जितना ये नहीं कि मैं उन्होंने कहा तो मैंने सुना, मतलब माई लॉजिक एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ओके, सो डिसेंट ऑप्शन है, लोकेशन एक्चुअली बेटर है क्योंकि वो GT रोड की इस तरफ है, दिल्ली से थोड़ा दूरी है, अबाउट 3.5 hours ऑफ जर्नी पड़ेगा, चंडीगढ़ से तकरीबन 1.5 to 2 hours होता है। द बिगेस्ट सिटीज़ जैसा मैंने कहा क्लोजेस्ट हैं वो अम्बाला, शाहबाद, कुरुक्षेत्रा और यमुनानगर, चारों आ जाती हैं, ऑल आर डिसेंट सिटीज़। तो कहीं पर भी जाके बच्चा या मतलब जो हॉस्टल्स हैं खासकर, दे कैन हैव अ नाइस इवनिंग, ऑफ कोर्स आफ्टर टेकिंग परमिशन एंड ऑल दैट। हॉस्टल्स का रूम आपने देखा अच्छे हैं, जैसे मेरा कैंपस थोड़ा बड़ा है तो आप शाम को वॉकशॉप कर सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो। मैं हमेशा यही चीज़ों को प्रमोट करता हूँ कि कैंपस लाइफ का मज़ा भी लेना चाहिए। सो ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। आपको अच्छा लगे तो जब आप विजिट करें मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा काम एज फार एज दिस कॉलेज इज़ कंसर्न्ड इज़ फिनिश्ड, और जैसा कि आप जानते हैं मैं उधर से आ रहा था, तो मैं कोशिश करता हूँ इस साल से कि MBBS के अलावा BDS और PG कॉलेज को भी देखूँ और आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। BMS BHMS अभी नहीं, वो शायद और समय लगेगा। ओके, क्योंकि MBBS इतने नए खुल गए हैं, MBBS को कवर करूँ, BDS को कवर करूँ या आयुर्वेदिक को करूँ, तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तो भी मैं आपको नहीं कर पा रहा और आपको मदद नहीं दे पा रहा। तो आप में से ये दो लोग कमेंट पूछते हैं कि सर फलाना आयुर्वेदिक कॉलेज कैसा है, तो सॉरी आई एम नॉट एबल टू गिव माई पर्सनल जजमेंट। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।